बॉमर में एक फ़ोटो सेंसर, फ़ोटो सेंसर जनरली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है डिफ्यूज टाइप, सेकंड रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप एंड थर्ड होता है थ्रू बीम टाइप। आज हम डिफ्यूज टाइप फ़ोटो सेंसर की बात करेंगे जो जनरली नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें दो तरह के आउटपुट हो सकते हैं, एनालॉग टाइप भी हो सकता है और डिजिटल टाइप भी हो सकता है। एनालॉग में 4 to 20 mA एंड 0 to 10 वोल्टेज एंड डिजिटल टाइप के अंदर आपको PNP और NPN मिलेगा। आज हम जो डेमोस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं वो डिजिटल टाइप है जिसमें हम PNP टाइप लेंगे एंड इसमें पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट रहेगा 24 वोल्टेज DC का। इसमें जो बीम रहता है वो पॉइंट बीम और लाइन बीम दोनों हो सकता है। अभी हमारे पास जो वीडियो में हम देख रहे हैं वो पॉइंट बीम टाइप है। इसकी हम रेंज की बात करें तो ये जनरली अप टू 800 mm तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको किस तरह से टीचिंग किया जाता है, हम इसको ऑन साइट टीचिंग कर सकते हैं जिसको हम क्यू टीचिंग कहते हैं, जो एक फेरोमैग्नेटिक टूल या फिर स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम टीच कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर को 3 सेकंड तक उसके ऊपर रखेंगे, ये ब्लिंकिंग होना शुरू हो गया है, ये टीचिंग के लिए रेडी है। नाउ ये हमारा सरफेस है जिसमें हम टीच कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, नाउ सेकंड पॉइंट जो हमारा ऑब्जेक्ट आया अभी, ये टीच हो चुका है। अभी हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा आएगा तब आपको यहाँ पर लाइट मिल रहा है, इट मीन्स स्विचिंग आपको मिल रही है। वापस देखेंगे हम, राइट, इसे हम कहते हैं बैकग्राउंड सेपरेशन टाइप, जो आपके बैकग्राउंड को सेपरेट करता है। सो ये था बॉमर में फोटो सेंसर। थैंक यू।